शहरी में 20,000 से अधिक गरीबों को एक एक आवास दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी का चेहरा नहीं देखा गया, सबको दिया गया। पटरी व्यवसायियों में 11,499 को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के साथ जोड़ा गया। 15,161 नासिक महिलाओं को, 11,306 दिव्यांगजनों को, 22,242 वृद्धजनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ आपके जौनपुर जनपद में दिया जा रहा है। 3,81,000 गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत के जौनपुर जनपद में उपलब्ध करवाए गए हैं। और भाइयों बहनों, नगर पालिका परिषद मोगरा बादशाहपुर का सीमा विस्तार हुआ है। 3 नगर पंचायतों का गौरा बादशाहपुर, रामपुर कचगांव का सृजन भी किया गया है। और भाइयों बहनों, हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने के लिए यहां पर हर नगर पालिका को उसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ है। तो जौनपुर में अमृत व स्टेट सेक्टर से 278 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं की स्वीकृति भी दी गई है। भाइयों बहनों, अगर विधायक के साथ साथ पालिका का अध्यक्ष भी भाजपा का होता ना, तो ये सभी कार्य बहुत पहले हो गए होते, सिर्फ दुगना कार्य यहां पर और लग गया होता, लोगों को और सुविधा। काला उपन का निर्माण, अंत्येष्टि स्थल का निर्माण, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय नगर पंचायत योजना का कार्य, ये सभी समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ गए होते। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने नगर निकाय चुनाव में डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ने के लिए भी एक अभियान के साथ किया है, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को समयबद्ध ढंग से दूर किया जा सके, उन्हें उपलब्ध कराया जा सके।